हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक महारत्न कंपनी है, जिसके व्यावसायिक हित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैले हुए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनिंग, पाइपलाइन परिवहन और विपणन से लेकर अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण और उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स के विपणन तक भारत के तेल शोधन और पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में इसका नेतृत्व स्थान है। मुख्य बिंदु, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिफाइनिंग क्षमता। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी के पास पूरे भारत में 11 रिफाइनरियां है, जिनकी कुल क्षमता 80.60 MMTPA है। इसके पास भारत की कुल शोधन क्षमता का 32% हिस्सा है, यानी कि 32% इसके पास है, बाकी बचा 68% और कंपनियों के पास में। चेन्नई में इसकी 2 रिफाइनरियां, इसकी सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिसमें कंपनी की 52% हिस्सेदारी है। 30 जून 2022 तक घरेलू रिफाइनिंग क्षेत्र में 32% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी, वित्त वर्ष 2011 के लिए क्षमता उपयोग पहले के 100% से गिरकर 90% हो गया, लेकिन वित्त वर्ष 2012 के लिए फिर से 97% पर बैकअप था। पाइपलाइन नेटवर्क, वर्तमान में कंपनी के पास 96 MMTPA तरल पाइपलाइन क्षमता और 21.7 MMSCMD गैस पाइपलाइन क्षमता के साथ पूरे भारत में 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन फैली हुई है। इसके पास पूरे भारत में फैली 73% क्रूड पाइपलाइनों और 52% उत्पाद पाइपलाइनों का स्वामित्व है। पिछले 3 वर्षों से पाइपलाइनों की क्षमता, औसत क्षमता उपयोग 85% रही है। अब इसका राजस्व देखते हैं। वर्ष 2012 तक हाई स्पीड डीजल HSD राजस्व का 47% है। इसके बाद मोटर स्पिरिट यानी कि MS 22%, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस 13%, एविएशन टरबाइन ईंधन ATF 3%, सुप्रियर किरोसिन आयल 1% है और अन्य 14%। अब ग्राहक संबंधी, वर्तमान में कंपनी 34,500 खुदरा दुकानें, पेट्रोल पंप 12,800, LPG वितरक 7,000, थोक उपभोक्ता पंप और 3,900 SKO LDO डीलरशिप संचालित करती है। कंपनी बाजार के बुनियादी ढांचे में अग्रणी है और भारत में 42% खुदरा दुकानों, 51% LPG वितरकों और 48% विमानन ईंधन स्टेशनों को नियंत्रित करती है। अनुसंधान एवं विकास, फरीदाबाद में कंपनी का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। 930 सक्रिय पेटेंट के साथ डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास में एशिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसके पास स्नेहक फॉर्मुलेशन, रिफाइनरी प्रक्रिया और पाइपलाइन परिवहन में 4 दशकों का अनुभव है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में R&D पर 576 करोड़ खर्च किए। कच्चे तेल का आयात, कंपनी दुनिया भर से कच्चे तेल का आयात करके कंपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह अपनी ज़रूरतों का 65% मध्य पूर्व से पूरा करता है। इसके बाद अफ्रीका से 27%, उत्तरी अमेरिका से 4%, दक्षिण पूर्व एशिया से 1%, यूरोप से 1% और मध्य एशिया से 1% का स्थान आता है। भौगोलिक उपस्थिति,
कंपनी की अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड में भी उपस्थिति है। प्रमुख परियोजनाएं पारादीप रिफाइनरी में 68,373 करोड़ रुपए, PX PTA कॉम्प्लेक्स के लिए रिफाइनरी विस्तार 13,805 करोड़ रुपए, पाइपलाइन क्रूड प्लस नेट गैस 18,253 करोड़ रुपए, एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना MEG पारादीप 5,654 करोड़ रुपए, गुजरात रिफाइनरी में एक्रेलिक ऑक्सो अल्कोहल परियोजना 5,251 करोड़ रुपए, R&D 3,200 करोड़ रुपए का विस्तार, PHDPL और इसका विस्तार पटना और मुजफ्फरपुर तक 3,028 करोड़ रुपए। तो ये सब परियोजनाओं में लगा हुआ है इसका रुपया। कंपनी को तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में नई 9 MMTPA सुविधा के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी मिल गई। इसे एक संयुक्त उद्यम में बनाया जाएगा जिसमें कंपनी के पास 25% शेयरधारिता होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 29,000 करोड़ है। गुजरात रिफाइनरी में भारत का पहला ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन चालू होने वाला है। प्रमुख चल रही परियोजनाएं नियोजित पूंजीगत व्यय परिव्यय रिफाइनिंग में 27% 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, पाइपलाइन में 19%, मार्केटिंग 21%, पेट केम 17%, R&D 5%, JV में इक्विटी निवेश 8%, अन्य 2%। प्रमुख परियोजनाओं के लिए कैंपेक्स की योजना 22-23 लगभग 23,093 करोड़ रुपए, छोटी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5,456 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई। महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 52% हिस्सेदारी। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन में शामिल है और 12 MMTPA IOCL के महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां इस प्रकार हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसमें कि 52% हिस्सेदारी, कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन में शामिल है और 12 MMTPA की क्षमता के साथ तमिलनाडु में 2 रिफाइनिंग सुविधाओं का मालिक है। IOCL सिंगापुर PTE लिमिटेड यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, यानी कि 100% वाली, जो कच्चे तेल की खरीद, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात निर्यात और E&P परिसंपत्तियों और अन्य के लिए निवेश कंपनी के व्यापार संचालन में शामिल है। तीसरा है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड 12.5% हिस्सेदारी के साथ, यह उस कंपनी का सहयोगी है जो भारत में LNG आयात और पुनर्गैसीकरण टर्मिनलों का विकास, डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। सरकारी कीमतों पर रोक 10 जून को फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI जो निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अलावा IOC, BPCL और HPCL जैसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को भी अपने सदस्यों के रूप में गिनता है ने पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीजल पर घाटे की बात कही, खुदरा व्यापार में और निवेश को सीमित कर देगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा IOCL का मार्केट कैप 1,24,704 करोड़, करेंट प्राइस 88.30 रुपये, 52वीं का हाई लो 101 रुपया और 65.60 रुपया, स्टॉप पी 5.07, बुक वैल्यू 98.9, डिविडेंड यील्ड 3.40%, ROC 8.09%, ROE 7.17%, फेस वैल्यू 10 रुपया, रिटर्न ओवर 5 ईयर 0.23%, रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 20.1%, ROE 3 ईयर्स 15.6%,
रिटर्न ओवर वन ईयर 30.8%, आरओई फाइव ईयर 13.5%, प्रॉफिट बार फाइव ईयर माइनस में 15.1% है और इंटरप्राइजेज वैल्यू 271,585 करोड़ का है। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। इसका वन ईयर का चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट कर सकता है 95 और 87 रुपये के बीच में, अप एंड डाउन हो सकता है। जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रोज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.88 टाइम पर ट्रेड कर रही है और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 46.4%। तो जो डिविडेंड पे कर रही है वो 46.4% और कॉन्स कुछ भी नहीं है इसमें। पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो इस तरीके से 6 कंपनी है टोटल, जो कि स्क्रीनर के वेबसाइट पे दिखा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का, सेल्स 198,551 करोड़ का, एक्सपेंस 174,834 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,716 करोड़ का, अदर इनकम 954 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा घटा है, और इंटरेस्ट 1,743 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 3,476 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19,450 करोड़ का, और टैक्स पेड किया है 24% का, और नेट प्रॉफिट 14,735 करोड़ का, जिसके कारण ईपीएस आया 10.22 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं, 816,892 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 767,895 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48,997 करोड़ का, अदर इनकम 5,024 करोड़ का, इंटरेस्ट 7,377 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 13,499 करोड़ का, टैक्स वगैरह काट करके नेट प्रॉफिट आया 25,557 करोड़ का, जिसके कारण ईपीएस आया 17.36 रुपीज। बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व है 125,949 करोड़ का, जबकि ब्रोइंग 148,977 करोड़ का है, जिसमें कि फिक्सेड एसेट 173,665 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट 52,190 करोड़ का, काफ़ी अच्छा है। अदर एसेट 165,050 करोड़ का टोटल एसेट है, जो कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल बड़ा है, 4,42,039 करोड़ का। कैश फ्लो माइनस में है मार्च 2023 का, उससे पहले मार्च 2022 में तो प्लस में था 395 करोड़ का, और मार्च 2023 में तो माइनस 180 करोड़ का है नेट कैश फ्लो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 51.50% है, FIs के पास में 7.56%, DIs के पास में 11.55%, गवर्नमेंट के पास में 19.60%, पब्लिक के पास में यानी कि दूसरा है नीचे से 9.77%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 17,91,349 आदमियों के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 के अनुसार। और इसमें एक न्यूज है जो कि 18 आवर्स पहले का है, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 चेंज इन डायरेक्टरेट ऑफ द कंपनी।
मतलब निदेशालय में चेंजिंग हुआ है, श्री अनुज जैन इनको डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी बनाया गया है 9 अक्टूबर को दोपहर से। और दूसरा है संजय कौशल जो कि CFO से इनको इनके पद को समाप्त किया गया है, वो भी 9 अक्टूबर 2023 आफ्टरनून यानी कि दोपहर से। BSE के वेबसाइट पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा ट्रेड डेट 10 अक्टूबर 2023, क्वांटिटी ट्रेड डेट 10,11,679 और डिलीवरी में 453,724 शेयर और जो परसेंटेज है 44.85% का, तो डिलीवरी में उठाया गया है इसका शेयर को। और NSE की वेबसाइट पर जैसा कि बाई क्वांटिटी अभी भी ऑर्डर लगा हुआ है टोटल 218 क्वांटिटी का 88.35 रुपये पर। डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड 94,60,129 और डिलीवरी में उठाया गया 53,41,819। डिलीवरी परसेंटेज है 56.47%। तो आज काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हुआ है IOCL में NSE के एक्सचेंज पर, और BSE में भी ठीक ठाक ही ट्रेड हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।